आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। कुड़ू में गोली मारकर एक युवक की हत्या, पत्नी और चाचा को भी मारी गोली, गंभीर स्थिति में रीम्स रेफर। आक्रोशित ग्रामीणों ने अपराधियों की गिरफ्तारी व मुआवजे को लेकर किया सड़क जाम। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड में फिर चली गोली। गोलीकांड में व्यक्ति की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पत्नी और चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना 15 नवंबर की शाम लगभग 7 बजे की है। कुड़ू लक्ष्मी नगर मोहल्ला निवासी विकास साहू, जो लकड़ी मिस्त्री बढ़ाई का काम करते थे, अपने घर में थे। तभी शाम लगभग 7 बजे दो लोग उनके घर पहुंचकर उनकी मां से विकास को बुलाने को कहा। हत्यारों ने कहा कि लकड़ी का फर्नीचर का ऑर्डर देने आए हैं, इसलिए विकास को बुला दीजिए। मां ने विकास को बुलाया। जैसे ही विकास सामने आया, दोनों युवकों ने पिस्तौल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे विकास की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्यारों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर गुरुवार की सुबह से ही उर्दू में सड़क जाम कर दिया। गोली की आवाज़ सुनकर दौड़कर पहुंचे उसके चाचा राजेश साहू और पत्नी 20 वर्षीय प्रतिमा देवी को भी अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिनका इलाज रिम्स में चल रहा है। पूरा घर का भार उठाए हुए थे वो, अपना माँ बहन दामाद पूरा फैमिली परिवार भाई सबका पढ़ाई लिखाई खर्चा वही उठाते थे, घर चलाते थे। माँ का दवा हर एक महीना चलाते थे, हर एक महीना माँ का दवा चलता है, हर एक महीना दवा का वो पूरा खर्चा उठाते थे। ऊपर से अपना रोजगार के लिए जो लोन लिए थे वो लोन चुकता करते थे, वही हर एक सप्ताह लोन भरते थे। अभी वो लोन भरने के लिए सक्षम कोई नहीं है मेरा घर में। कौन दोषी है, क्यों गोली मारा गया? दोषी इतना सुनने में आया है कि जो कोई भी था, जो लेडीज है, उसका पति नहीं है, उसका अफेयर चल रहा था उसका देवर से। उसका पति महिला है, गांव की है, थाना में है। उसका अफेयर चल रहा था उसका पति से, देवर से, और उसका देवर अभी मतलब कुछ गुंडा टाइप में है, गुंडा ही है, उग्रवादी है। तो ये लोग रात में कहीं जा रहे थे, तो मेरा भाई आ रहे थे अपना काम करके, दुकान से घर आ रहे थे। उसी दौरान पूछे कि तुम लोग इतना रात को कहाँ जा रहे हो, तो तुम पूछने वाला कौन होता है, ऐसे बोल के बोला, तुम पूछने वाला कौन होता है, तो कैसे नहीं पूछेंगे मेरा। यहाँ तो प्रशासन से मांग किए हैं कि थोड़ा प्रशासन को एक्टिव रहना है, कि बार बार गोली चल रहा है, उसके लिए हम लोग मांग किए हैं प्रशासन से, और ये सब नहीं होना चाहिए, और आर्थिक सहायता लाभ मिलना चाहिए, और इंदिरावास सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग मांग किए हैं प्रशासन। इतना निंदनीय घटना है, और लगातार हफ्ते भर में दो बार गोली का घटना हो जाना और एक मृत्यु हो जाना, अभी किस तरह से देखती है? प्रशासन तो एक्टिव है, लेकिन और भी ज्यादा एक्टिव है। कमर में नस दब गए, कुछ करे गिलास पानी उठा नहीं पा रही हो, अब जे कमा के खिया तरह से चल गए, अब का करके हम खाबो सके बताओ, तो ही के पोस्तो हमरा, ना पति हो ना बेटा, कौन पोस्तो? आए एक ही बेटा था क्या? एक बेटा है, देखो अभी छोटा है, वो अभी का कमाता हो? अरे वो तो सिर्फ कल ही हुआ है। जिसके साथ घटना हुआ, बड़ा बेटा के साथ? बड़ा बेटा के साथ। परिवार में कौन कौन? एक एक साल का बच्चा, एक वही छुआ, एक बच्ची की छुआ, तो भाई बस उतना ही सह परिवार। क्या लगता है क्यों गोली मारा गया उनको, क्यों ऐसा किया? अब काल कर ले से हम कैसे जान भाई, बाबू जानता लिए होले हमर बेटवा के नहीं भगवा देतिए हम, आई जान दिए तो नहीं भगवा देतिए, हमर आंख कर सामने गोली मार के छुवाती है।